खबर है गोंडपीपरी तहसील से, जहां संत नगरी धाबा में भक्ति का नजारा अद्भुत तरीके से देखा गया और भक्ति में शक्ति है यह लोगों ने साक्षात महसूस किया। तो चलिए नजर डालते इस खबर पर। भक्ति में शक्ति, इसका सबसे बड़ा उदाहरण के रूप में हम भक्त प्रहलाद को देखते हैं, मगर वहीं आज के युग में इसका एक जीता जागता उदाहरण गोंडपीपरी के धाबा में दिखाई दे रहा है, जहां लोग धधकते आगों के ऊपर से एक विश्वास के साथ नंगे पैर चलते हैं और उन्हें कुछ नहीं होता। तेलंगाना के आराध्य देवत के रूप में पूजे जाने वाले चंद्रपुर जिले के गोंडपीपरी तहसील के धाबा के संत परमहंस कोंडैया महाराज का यात्रा महोत्सव वर्तमान में संत नगरी धाबा में शुरू है और इस महोत्सव का मुख्य आकर्षण यानी अग्निकुंड, जहां पवित्र और अटूट श्रद्धा के बल पर असंभव होने वाली बातें संभव होने की जानकारी पुराणों में मिल रही है। भक्ति की अग्नि परीक्षा, ऐसा हैरत अंगेज आस्था का कार्यक्रम हर वर्ष धाबा में आयोजित किया जाता है। संत नगरी के रूप में धाबा की पहचान है और धधकते अंगारों के बीच इस पावन अग्निकुंड से भक्त नंगे पैर चलते हैं, जिसमें युवक युवतियों के साथ उम्र दराज तथा बाल गोपालों का भी समावेश रहता है। इस कार्यक्रम के लिए एक चौकोनी गड्ढा बनाया जाता है और इस गड्ढे में बड़े पैमाने पर लकड़ियां जलाई जाती है और इन जली हुई लकड़ियों से धधकते अंगारों का निर्माण होता है और इन अंगारों की विधिवत मंत्रों द्वारा पूजा अर्चना की जाती है और उसके बाद शुरू होता है भक्तों के भक्ति की अग्नि परीक्षा और मध्य रात शुरू होने वाली यह अग्नि परीक्षा अग्निकुंड के शांत होने तक शुरू रहती है। भक्ति का यह अद्भुत नजारा देखने के लिए महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं, मगर इस वर्ष कोरोना की पार्श्वभूमि को देखते हुए सीमित व्यक्तियों को इस भक्तिमय कार्यक्रम में प्रवेश दिया गया था। वही संबंध में संस्था सचिव किशोर अगस्ती ने जानकारी दी। सीटीवी के हमारे विशेष प्रतिनिधि नितेश डोंगरे की ये भक्तिमय रिपोर्ट। महाराजांना अभिप्रेत असलेला महाराजांच्या हयातीमध्ये स्वतःच्या मंत्रोच्चाराने परमपावन झालेला अग्निकुंड सोहळा दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा इथे धाबा नगरीमध्ये, या धाबा या संत नगरीमध्ये इथे होतो आहे। समस्त भाविक वर्ग या अग्निकुंड दिव्यातून आपला प्रवेश करतात आणि याची एक धारणा अशी आहे की यामध्ये आपण केलेलं जे काही पापक्षालन आहे ते करण्याचा एक चांगला सुवर्णमध्य महाराजांनी त्या काळी घालून दिलेला भाविक वर्गांसाठी, तो आपण अनुकरणीय करतो आहे आणि याचा फायदा हा समस्त भाविक वर्ग, या महाराजांवर श्रद्धा ठेवून असलेला भाविक वर्ग करत आलेला आहे आणि हा मागील 20-25 वर्षापासून हा इथं दिव्य विना काही संकट असताना हा सगळा करत आहे, त्यामध्ये सर्व महाराजांचंसुद्धा आशीर्वाद सर्वांना मिळत आहे।